हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यानी हमें ये जो है इक्वेशन या एक्सप्रेशन इक्वेशन जो भी हम कह सकें, इसको हमें क्या है प्रूफ करना है। प्रूफ करना है यानी LHS को RHS के इक्वल करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x माइनस, एक मिनट, लिखा हुआ है cos x स्क्वायर, मतलब cos x थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों हमें ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, लेकिन आपके जैसे दिमाग में चल रहा है कि इसको हम खोल लें, ब्रैकेट को ओपन करें, तो उससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, क्या आएगा उसको ब्रैकेट को ओपन खोलने के बाद, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी थ्री टर्म आ जाएंगे। बट यहाँ पे जो है आर एच एस में वो है अपॉन में लिखा हुआ है, यानी सिर्फ टू टर्म्स ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो है अपॉन में आ जाए। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, वो है कॉज एग, यानी वन अपॉन साइन, है ना, वन अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे जो माइनस में है क्या है, कॉट है ना, तो कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। अब एक काम करते हैं, ये जो होल स्क्वायर है उसको वैसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो है आर एच एस में उसे वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है ये डिनोमिनेटर सेम है, तो एक काम करते हैं नीचे डिनोमिनेटर लिख लेते हैं साइन थीटा, और ये है ऊपर जो है, आपको आता होगा बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो, और होल स्क्वायर वैसा का वैसा ही लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल्स टू में वही साइन। आप एक काम करते हैं, ये जो है ये नीचे जो है साइन थीटा, उसमें एक काम करते हैं कि उसमें स्क्वायर लगा देते हैं, वन माइनस कॉस थीटा, मतलब ऊपर वाले जो न्यूमरेटर का स्क्वायर है उसे अभी हम नहीं खोलेंगे, उसको बाद में खोलेंगे, बाद में छेड़ेंगे, लेकिन अभी जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं उसका, यहाँ पे वही का वही। और नीचे फिर से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आपको दिखाई देता हूँ कि क्या रहेगा, इधर इधर है वन माइनस कॉस थीटा, है ना, और नीचे है वन प्लस कॉस थीटा। ओके, अब है देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो ये जो लिखा हुआ है वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस थीटा, है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एक आइडेंटिटी है, हमें पता है ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, वो है वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, एंड जैसे देखो यहाँ पे जो है वन के ऊपर स्क्वायर मान ले, तो वैसे भी स्क्वायर माने चाहे रूट माने, आना वन ही है कुछ भी करें, तो एक काम करते हैं स्क्वायर मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, दो भी ब्रैकेट में। तो चलिए शुरू करते हैं, वन प्लस कॉस थीटा, है ना, और वन माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए कि वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा कट गया, और ये जो आर एच एस एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल हो गया है। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, है ना, और स्माइली भी बना देना है बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा और आंसर पूरा समझ में आया होगा। एक फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए,
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर देना, और लाइक भी कर देना, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को जिनसे उन्हें भी हेल्प मिले। धन्यवाद।